हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएन शर्मा, माय सेल्फ नितिन कुमार। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है हम कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम था सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन सोसाइटल एंड ग्लोबल इंपैक्ट। ठीक है, तो इसका हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, तो यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नेशन। ठीक है, तो इसमें आज हम पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे। तो हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम देखने वाले हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द इफेक्ट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हम टॉपिक फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं द इफेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑन ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं। इट इज गिवन दैट इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग विल इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। ठीक है, तो जो भी हमारे पास है इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स नई नई बन रही हैं, रोड्स ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज में। ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो रहा है स्पेंडिंग विल इंक्रीज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वो इंक्रीज कर रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, दैट मीन्स वो जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है। इन शॉर्ट रन एज ए नेचुरल अकाउंटिंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ पाइलिंग इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्टिव आर नॉट इनटू फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडिया में वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया, तो हम बात करें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें इंडिया में तो वो क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया वाज आफ्टर इंडिपेंडेंस कंप्लीट इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो जो भी इंडिपेंडेंस के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली पब्लिक के हाथ में था, पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। ठीक है, एंड हिज हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ द सेक्टर। इंडिया इज लेस स्पेंडिंग ऑन रियल एस्टेट, पावर, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रिवेंटेड द कंट्री फ्रॉम सस्टेनिंग वेरी हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ। द अमाउंट दैट इंडिया वॉज स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वॉज 6% ऑफ जी डी पी एज यूएस डॉलर ऑफ 31 बिलियन इन 2002। अगर हम बात करें इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की इंडिया में, तो जो भी इंडिया थी लेस स्पेंडिंग ऑन रियल स्टेट, इंडिया लेस स्पेंड करती जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें तो सारा जो सिस्टम था वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, दैट मीन्स गवर्नमेंट के हाथ में था। और जो भी हमारे पास रियल एस्टेट थी या फिर पावर सेक्टर था या फिर टेली कम्युनिकेशन था या फिर कंस्ट्रक्शन थी या फिर हम बोलें ट्रांसपोर्टेशन, तो वो सारा जो था उसमें जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती थी वो बहुत लेस होती थी इंडिया में। ठीक है, द कंट्री फ्रॉम सस्टेनिंग वेरी हाई रेट्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एंड द अमाउंट दैट इंडिया वॉज स्पेंडिंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे इंडिया कितना अपना इन्वेस्ट करता था, 6% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 6% इंफ्रास्ट्रक्चर में वो स्पेंड करता था। ठीक है, जो कि हमारे पास डॉलर में अगर हम देखें तो 31 बिलियन डॉलर होता है, इन 2002 की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया इंडियन जीडीपी, तो जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडियन जीडीपी में वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रोथ रेट इन इंडिया जीडीपी केम टू 3.5% इन 1996 टू 1997। तो जो हमारे पास इसमें जीडीपी में ग्रोथ हुई थी वो हुई थी 3.5% ग्रोथ हुई थी किस ईयर में, 1996 टू 1997 ईयर में। एंड द नेक्स्ट ईयर दिस फिगर वाज 4.6, उसके दूसरे ईयर में दैट मीन 1998 में जो अपनी जो फिगर थी पहले तो 3.5 ग्रोथ थी इसमें
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जीडीपी में, और नेक्स्ट ईयर में 4.6 होगी वो ग्रोथ रेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। जीडीपी इंक्रीज आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट ओपन द सेक्टर टू 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ही इंडिया ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो ओपन किया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जब 100% ओपन कर लिया इंडिया ने एफडीआई को, तो तब उसकी जो जीडीपी थी वो इंक्रीज होने लगी, उसमें ग्रोथ आने लगी। दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इसलिए किया गया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए ये ओपन किया गया था कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिले, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसको बूस्ट मिले, वो बढ़े। The result of opening the sector to the private sector has been that infrastructure sector growth in Indian GDP has increased at the rate of 9%. तो जैसे ही उन्होंने foreign direct investment को open किया, उसके बाद private sector आ गया, private sector ने काम किया और जो India की GDP थी वो 4.6 से बढ़ के 9% हो गई, ठीक है, जो रेट था GDP रेट वो 9% हो गया। It is estimated that the growth rate of the infrastructure sector in Indian GDP will grow at the rate of 8.5 rate से Indian GDP grow कर रही थी 2006 से 2010 के बीच में 8.5% से grow कर रही थी। The biggest ongoing project in the infrastructure sector in India is the Golden Quadrilateral। तो जो biggest ongoing जो project था हमारे पास इसमें Indian infrastructure sector में, वो था हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, विच इज इंप्रूविंग द मेन रोड्स दैट कनेक्ट द फोर सिटीज ऑफ चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। तो जो कि हमारे पास क्या कर रहा था, विच इज इंप्रूविंग द मेन रोड्स, जो कि इंप्रूव कर रहा था मेन रोड्स को, दैट कनेक्ट द फोर सिटीज, जो कि फोर सिटीज को कनेक्ट कर रही थी रोड्स, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता। तो ये चारों हमारे पास मेजर सिटीज हैं इंडिया की, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा लेक्चर की हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा, क्या क्या चीजें हमें रिमेम्बर करने की जरूरत है। तो जो जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो आपको रिमेम्बर कर लेनी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, सिलेबस का टॉपिक है, हाउ कैन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट क्रिएशन ऑफ मोर एंड बेटर जॉब्स। तो कैसे हमारे पास जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक्सेलरेट करता है जॉब्स के टर्म्स में, कि हमें जॉब्स मिल जाए, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इससे श्योर है कि जॉब्स तो क्रिएट होंगी होंगी। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड दैट इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैन लीड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, ठीक है। तो जैसे ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम करेंगे, तो उससे हमारे पास डायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी, इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट होंगी। तो वो कैसे होंगी हम डिस्कस कर लेंगे। एंड यूजली हैव स्पिल ओवर इफेक्ट्स इन टू अदर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड एग्रो लॉजिस्टिक सर्विसेज हेल्प मूव फ्राइट फ्रॉम फार्म्स टू लोकेशंस वेयर वैल्यू कैन बी एडेड, लाइक इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड अल्टीमेटली टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, तो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दिए, जैसे कि हमारे पास गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ गया, एग्रो लॉजिस्टिक सर्विसेज आ गई हमारे पास, जो हेल्प करती हैं मूव फॉर फ्राइट फ्रॉम फार्म टू लोकेशन। तो जो कि हमारे पास फार्म से लोकेशन तक हमारे पास मूव होती हैं, जिसमें कि हमारे पास वेल वैल्यू कैन बी एडेड, जहाँ पे वैल्यू, उनमें वैल्यू एड होती है। लाइक हम बात करें इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग की, पैकेजिंग की अगर हम बात करें, सॉर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात करें, ठीक है, एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर। तो ये इसका सारा प्रोसेस है, ये जो भी गुड्स हमारे पास तैयार होता है वो इस प्रोसेस से आगे जाता है। तो जो भी प्रोसेस बीच में हो रहे हैं, तो उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, जो कि डायरेक्टली पर्सन जॉब करते हैं और इनडायरेक्टली भी जो नहीं भी करते उनको भी फायदा होता है। मान लो जिसकी कंपनी है, जिसकी मशीन है, उसको भी फायदा हो रहा है, ठीक है।
However, the anticipated benefits of these investments are not always fully realized, or sometimes they happen much later. तो जो भी ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं इसका जो बेनिफिट हमें मिल रहा है तो हो सकता है समटाइम्स वो हमें महसूस ही ना हो कि हमें वो उसका बेनिफिट मिल रहा है, वो हो सकता है वो बहुत ही देर के बाद उसका बेनिफिट मिले. However, can investment in infrastructure have a multiplier effects in stimulating the economy and eventually facilitate जॉब क्रिएशन. तो मगर ऐसा होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वो अल्टीमेटली हमें जॉब क्रिएट करते हैं. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं अल्टीमेटली. ठीक है, टू मैक्सिमाइज देयर इम्पैक्ट, अगर उसका इम्पैक्ट को हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट है मैक्सिमाइज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुड एक्सप्लिसिटली एनालाइज एंड इंक्लूड कम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो अगर उसके फायदे को हमने और बढ़ाना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा एंड इंक्लूड कम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट्स. तो कम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट्स हमें उसमें करनी पड़ेगी, जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हैं एंड सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन आ गई हमारे पास, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज आ गई, ICT आ गई, लॉज एंड रेगुलेशन आ गए एट्सेट्रा, नीडेड टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ न्यू मार्केट्स. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे 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 एरियाज हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं और जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट्स टू लिंक इन्वेस्टमेंट इन टू रूरल रोड्स टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, रोड्स टू जॉब्स स्टडी एनालाइज स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन राजस्थान, इंडिया टू बेटर अंडरस्टैंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स इन एक्सेसिंग मार्केट्स एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू एड्रेस कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जैसे कि राजस्थान का आपको पता होगा वहाँ पे भी रोड कनेक्टिविटी इतनी नहीं है या फिर हिली एरिया में इतनी रोड कनेक्टिविटी नहीं होती, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं या फिर पानी वगैरह प्रॉपर नहीं हो पाता, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो हैं वो जो कंज्यूमर है उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि जो भी वहाँ की पब्लिक है उसको जॉब्स में दिक्कत आती है, उसको जॉब्स नहीं मिल पाती, उसको अपना खर्चा भी नहीं निकल पाता है. ठीक है, तो जो भी फार्मर्स हैं उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू. इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.